बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ है जैसे होंगे। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, आमीन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टी टाइम स्नैक्स, जो जल्दी जल्दी बन जाते हैं। हमें हल्की फुल्की भूख में जो है वो स्नैक्स या कुछ चीज़ चाहिए खाने के लिए। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आपको ये नज़र आ रहा होगा बहुत सी चीज़ें हैं इसमें सबस सी, तो मैं आपको आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ ही नोट करवाती जाऊँगी। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें हमें चाहिए 2 से 3 अदद अंडे। इसमें हम सबसे पहले 2 एग डालेंगे। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, जितने लोगों ने खाना है उसमें आप कम या ज़्यादा इसमें चीज़ें आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें, ये 2 से 3 मैंने बारीक बारीक चॉप की हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी बंद गोभी है, ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज बारीक जो है वो इसको कट किया है, और साथ ही मैंने एक जो है वो मीडियम साइज़ का टमाटर उसको भी बारीक चॉप किया है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और ये लास्ट पे जो मैं डाल रही हूँ वो है बॉयल चिकन। इसको चिकन को मैंने बॉयल करके इसके ये छोटे छोटे से जो है वो रेशे बनाए हैं ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये चली गई हमारी सारी इसमें वेजिटेबल्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसमें हम डाल रहे हैं नमक, ये 1 चम्मच, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये रेड चिली है, मिर्ची का पाउडर है, ये भी मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है। 1/2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया जो है हो जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें पिसा कुटा गरम मसाला जो है वो हम ऐड करेंगे। इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और साथ ही हम चूल्हा ऑन करेंगे, हल्की सी आंच पे तवे को रखेंगे गर्म होने के लिए। आप पैन भी यूज़ कर सकती हैं, तवे पे बना सकती हैं, तवे पे भी इजीली आप जो है ना इनको इसको अच्छी तरह से मिक्स किया हमने। अंडे में ये सारी चीज़ें, चिकन, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज और मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो हमने मिक्स किए अच्छी तरह से। उसके बाद जब तक के हमारा तवा गर्म हो रहा है हम क्या करेंगे, लेंगे ब्रेड। मैंने ब्रेड ली है, इसको मैंने एक को मैंने ऐसे राउंड शेप में कट किया है सेंटर में, एक मैंने हार्ट शेप में किया है, बाकी 2 पीस मैं आपके साथ और मज़ीद जो है वो शेयर करूँगी। इनको हम इस तरह से इनकी कटिंग करेंगे सेंटर में से, ये ईज़िली जो है ना ये शेप्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। देखिए इनको इस तरह से हम इसको, ये हमारा ये जो सेंटर से हमारे फ्लावर्स जो निकल रहे हैं ना, इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। देखते रहिए, मेरे साथ रहिए ताकि आपको पता चले इसका। ये एक ये जो है स्टार शेप में इसकी मैंने कटिंग की है इस तरह से। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ज़्यादा आपने ज़्यादा इसको हीट अप नहीं करना, क्योंकि ब्रेड ने जो है वो फिर ज़्यादा अगर गर्म होगा तो ब्रेड हमारी जल जाएगी, इसलिए हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे, और हल्की आंच पे हमारा ऑयल जो है वो देखें गरम हो चुका है। सबसे पहले हम लेंगे अपनी ब्रेड, और उसमें हम ये डालेंगे अपना बैटर।
और इसको हम हल्की आंच पे ही बनाएंगे पकाएंगे, क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो अंडा और चिकन वगैरह, चिकन तो पहले ही बॉयल्ड चिकन था, वो जो है थोड़ा सा इसमें हल्की आंच पे अंतर तक जो है ना वो बन जाए। ये हार्ट शेप इसी तरह से इसमें फिल करेंगे हम इसको ऐसे। एक टाइम में हम तीन जो है वो स्नैक्स, हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के स्नैक्स जो हैं वो हम बना रहे हैं। जब तक ये रेडी हो रहे हैं, मैं वही मेरी पुरानी बात कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं, शेयर कीजिएगा इसको और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो मिल सके, आप उनको बनाएं ट्राई करें और मुझे बताएं। इस तरह से आप इनको चेक कर सकती हैं, ये इनकी एक साइड जो है वो बन चुकी है हल्की आंच पे, देखिए। फिर हम इसकी साइड जो है टर्न करेंगे, लेकिन इसकी साइड हम टर्न करने से पहले क्या करेंगे, हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो इस वाली साइड पर चम्मच की मदद से इस तरह से, उसके बाद हम इसको इसकी साइड को चेंज करेंगे। बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसकी, कि ये तो हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के स्नैक्स जो है हमारा बहुत ही वो हेल्दी हमारा जो है वो हो जाएगा, पेट भरा रहेगा हमारा। आप इसको चाय के साथ यूज़ करें, कॉफ़ी के साथ, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो है ना वो इस खा सकते हैं। ये हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। इनकी कटिंग करेंगे हम और साथ में जो इसके बीच से हमारे जो पीसेस निकले थे कटिंग के, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये तो हो गई हमारी एक रेसिपी, ठीक है। अपनी दूसरी जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसकी तरफ भी चलते हैं, मैं इसकी साइड चेंज कर दूँ। जब तक ये हो रहा है मैं आपको फटाफट जो है ना वो दूसरी अपनी रेसिपी की बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। उसमें आपने लिया एक अंडा, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। भाई मीठे के साथ नमकीन और नमकीन के साथ मीठा भी तो होना चाहिए। ये मैंने भर के 2 चम्मच चीनी डाली इसमें, इसको किया अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए, अगर आप चाहें तो जो चीनी हम इसमें डालते हैं उसको पीस के भी रख सकती हैं, ताकि पिसी हुई चीनी भी वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम ये हमारा रेडी हो गया, इसको ये देखिए बहुत प्यारी शेप है इसकी, इसकी कटिंग करते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे वो बचे हुए जो पीस थे हमारे, उनको हम उनको तैयार करेंगे। ये हमारे जो बीच में से पीस निकले थे उनको, वो जी हम तवे पे डाला ऑयल, इनको इनमें करेंगे डिप, अंडे के साथ अच्छी तरह से इनको डिप किया और ये हमारे बन गए मीठे स्नैक्स नमकीन के साथ।
बहुत ही ज़बरदस्त। जब तक ये हो जाते हैं मैं तब तक उनकी कर लेती हूँ कटिंग। इसको करते हैं साइड पे, ये हमारे हल्की आंच पे ही बनेंगे जी। इनकी करते हैं कटिंग और फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। इनकी करेंगे साइड चेंज। ये देखिए कितनी प्यारी इनकी शेप है, कितनी प्यारी इनकी जो है ना, इसकी तो खुशबू ही अलग है जी। व्यूअर्स तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे ये हल्के फुल्के स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो नमकीन प्लस मीठे स्नैक्स जो हैं वो कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।